हे गाइस, क्या आप एक यूट्यूबर हो? आई एम श्योर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कोई वीडियो एडिटर एप्लीकेशन यूज करते होंगे, लाइक फिल्मोरा, काइंड मास्टर, वीएन वगैरह वगैरह। बट वेट, क्या आप उनके पेड वर्जन यूज करते हो क्या? आई एम श्योर आप नहीं करते होंगे, क्योंकि उनके पेड वर्जन बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो आप क्या करते हो, सीधे क्रोम ब्राउजर में चले जाते हो, एप्लीकेशन का नाम लिखते हो और पीछे लिख देते हो क्रिकेट। मगर आपको ये भी पता होता है दोस्तों के क्रिकेट ऐप यूज करने से आपका फोन भी हैक हो सकता है। और अगर हम ट्रायल वर्जन यूज करते हैं तो वाटर मार्क आ जाता है उस एप्लीकेशन का। अब YouTube ने अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो बिल्कुल फ्री है, और उस ऐप में इतने सारे फीचर्स है जो पेड ऐप में भी नहीं आते, लाइक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक इफेक्ट्स और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सो सबसे पहले तो जितने भी आपके मोबाइल के अंदर क्रिकेट एप्लीकेशन है उसको रिमूव करो, और जो ये YouTube का नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है YouTube क्रिएट, उसको इंस्टॉल कर लो। पर दोस्तों, खाली इंस्टॉल से तो काम चलने वाला नहीं है, उसको यूज करना भी तो आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे हम यूज करके वीडियो एडिट कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो वीडियो आपको यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में से फ्री में मिल जाएगा, आपको एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लो और प्ले स्टोर के अंदर सर्च बार में ये सर्च करो YouTube क्रिएट। सबसे ऊपर जो रेड और व्हाइट कलर का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा उसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो जाने के बाद उस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लो। बहुत बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आपको वो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, बट डोंट वेरी, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी देके रखा है, आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपल अपना जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। जिस ईमेल से आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है उसी ईमेल से अब आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है, और यहाँ पे आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हो कि आपने सही आईडी से लॉगिन किया है कि नहीं। दोस्तों जो आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप अपने फोन मेमोरी के अंदर जितने भी वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस, जितने भी फाइल है उसको मल्टीप्ले सिलेक्ट करके आप इस एप्लीकेशन के अंदर लेके आ सकते हो। जैसे ही आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, आपको ये परमिशन को अलाउ करना है। दोस्तों जैसे ही आप अलाउ करते हो तो आपके सामने आपके इंटरनल मेमोरी के अंदर जितने भी इमेजेस और वीडियोस होंगे वो यहाँ पे शो करने लगेंगे। अगर आप कोई सी भी एक वीडियोस या तो इमेजेस पे क्लिक करते हो, नीचे की तरफ आपको इम्पोर्ट और ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मल्टीप्ले फाइल सिलेक्ट करके आप फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो, चाहे एक हो चाहे दस हो। एक बार आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आप इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करके आप जो फाइल हो उसको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर लेके आ सकते हो, कुछ इस तरीके से। दोस्तों जैसे आप फाइल को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कन्वर्ट होने लगेगी आपकी फाइल्स। अगर आप लार्ज फाइल पे काम करते हो तो यहाँ पे दोस्तों बहुत समय लग सकता है कन्वर्ट होने में। एक बार ये कन्वर्ट का प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा 100% हो जाने के बाद आपका जो ये फाइल से आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, उसके बाद आप जो अपना फाइल है उसको एडिट कर सकते हो। दोस्तों जो हमारा फाइल है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है। देखो अभी जितनी भी मैंने आपको बातें बताई वो 4 साल का बच्चा भी कर लेगा। दोस्तों अब जो आपको मैं बातें बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, जैसे कि टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपका। इस ऐप के अंदर 6 मेन्यू है, ओवरले, टेस्ट, स्टिकर्स, साउंड, वॉइस ओवर और कैप्शन। इसके अलावा दोस्तों हर मटेरियल के लिए अलग टूल्स दिया गया है, जैसे कि ऑडियो के लिए अलग, इमेजेस के लिए अलग और वीडियो के लिए भी अलग मेन्यू आपको मिल जाएंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो सिलेक्ट करके रखा है, तो इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे 10 मेन्यू मिल गए। जैसे कि इस वीडियो को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, इसमें मैं इफेक्ट लगा सकता हूँ, मैं इसको फिल्टर लगा सकता हूँ, इसके अलावा मैं इस वीडियो को एडजस्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा इस वीडियो को मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, इस वीडियो को मैं रोटेट कर सकता हूँ, या तो इस वीडियो को मैं दूसरे वीडियो से रिप्लेस कर सकता हूँ, इस वीडियो को मैं अरेंज कर सकता हूँ, इसके अलावा इस वीडियो को मैं डिलीट कर सकता हूँ और डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने एक इमेज फाइल को सिलेक्ट करके रखा है, आप इमेज फाइल के लिए कम से कम आपको 10 मेन्यू और मिल जाएंगे। दोस्तों आप इमेज को स्प्लिट भी कर सकते हो, फिल्टर भी लगा सकते हो, इमेज के अंदर कोई इफेक्ट भी आप लगा सकते हो,
एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इमेज में एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो, इमेज के बदले कोई और इमेज के रिप्लेस भी कर सकते हो, मूव फ्रंट पे भी लेके जा सकते हो, मूव बैक पे भी लेके आ सकते हो। इसके अलावा इस इमेज का कुछ काम नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और इस इमेज का ज़्यादा काम है तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अगर आप अपने वीडियो के अंदर कोई टेक्स्ट फाइल लगाते हैं तो आपको इस टेक्स्ट फाइल के लिए कम से कम 9 मेन्यू मिल जाएंगे। देखो आप टेक्स्ट फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप टेक्स्ट फाइल को एनिमेशन भी बना सकते हो। इसके अलावा रिप्लेस भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, मूव टू फ्रंट और मूव टू बैक भी ले जा सकते हो। अगर आपसे कुछ गलत हो गया है टेक्स्ट के अंदर तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर सेम टेक्स्ट आपको दोबारा चाहिए तो आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एक ऑडियो फाइल सिलेक्ट करके रखी है। अगर दोस्तों आप कोई ऑडियो फाइल सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 8 मेन्यू मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप ऑडियो को स्प्लिट कर सकते हो, ऑडियो का वॉल्यूम कम या तो ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा आप फेड इन और फेड आउट का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फाइन बिट्स का तो इतना काम नहीं होता, मगर ऑडियो क्लीनअप का बहुत काम पड़ता है। आगे वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये ऑडियो क्लीनर कैसे काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ऑडियो के ऑप्शन के अंदर आपको एक डिलीट का भी मेन्यू मिल जाएगा। आप चाहे तो उस ऑडियो को डुप्लीकेट भी कर सकते हो और उस ऑडियो को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों जितने भी कॉम्पोनेंट है, जैसे कि मान लो कि वॉइस ओवर, स्टिकर्स, कैप्शन, उन सभी के लिए आपको मेन्यू के सब मेन्यू मिल जाएंगे। उसको कैसे यूज करना है आगे हम वीडियो में वो भी देखेंगे। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन स्प्लिट। दोस्तों ये ऑप्शन सभी मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे वो वॉइस ओवर हो, चाहे वो ऑडियो हो, या चाहे वो वीडियो हो, आपको सभी के अंदर आपको स्प्लिट का ऑप्शन तो मिलेगा ही। स्प्लिट का नॉर्मल यूज है वीडियो में कट लगाना। एग्जांपल के लिए ये जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके बाद एक और क्लिप है जहाँ पे एक औरत मुस्कुरा रही है और मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में मैं कट लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट टूल्स का यूज करूँगा। इन दोनों के बीच में मैं जो ये स्ट्रेट लाइन है उसको लेके आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो सीजर का निशान यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों का में से कोई से भी एक पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे बीच में कट लग जाएगा कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। मान लो ये जो थर्ड नंबर की क्लिप है जहाँ पे एक हैकर कंप्यूटर यूज कर रहा है और यहाँ पे जो एक लड़की है जो मुस्कुरा रही है, उन दोनों के बीच में मैं कट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो स्प्लिट लाइन है उसको लेके आऊंगा और स्प्लिट के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ जो ये औरत वाली क्लिप है उसको मैं डिलीट कर दूँ, तो नीचे आपको और डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा। आपको जस्ट वो क्लिप सिलेक्ट करनी है, उसके बाद डिलीट पे आपको क्लिक कर देना है, तो जो आपकी क्लिप होगी वो डिलीट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट टूल क्या काम करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो वीडियो है उसके बीच में जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ उसके बीचों बीच एक डमरू का आइकॉन आपको बना हुआ दिखेगा। उस आइकॉन पे आप क्लिक करके इफेक्ट चाहे तो इफेक्ट लगा सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको नजर आ जाएंगे, इनमें से आप कोई सा भी इफेक्ट लगा सकते हो। अभी मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ इफेक्ट। जैसे मैंने इस इफेक्ट पे क्लिक किया आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो इफेक्ट है वो लग गया है। दोस्तों इफेक्ट लगाने के बाद आप इसका स्पीड कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, डिफॉल्ट 1 सेकंड आता है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड तक स्पीड बढ़ा सकते हो और कम से कम 0.2 सेकंड आप इसके स्पीड घटा सकते हो। जब आपका इफेक्ट सही तरीके से लग जाए उसके बाद आपको नीचे डन का एक बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ अब किस तरीके से हमारा वीडियो प्ले हो रहा है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जहाँ पे कट लगाया है वहाँ पे बीच में आप इफेक्ट भी लगा सकते हो। उसी तरह आप वीडियो की शुरुआत में भी इफेक्ट लगा सकते हो और वीडियो की आखिर में भी इफेक्ट लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओवरले का यूज आपने बहुत सारे यूट्यूबर को करते हुए देखा होगा, खास करके गेमर्स लोग ओवरले का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे वीडियो में एक साइड में कोने पे नीचे की तरफ एक वीडियो चल रहा होगा या तो ऊपर की तरफ एक वीडियो चल रहा होगा, या तो वो लोग चैनल का आइकॉन भी लगाते हैं। ये सब दोस्तों हम ओवरले से कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इस वीडियो के अंदर एक इमेज लगा के आपको दिखाऊंगा, आप चाहे तो वीडियो भी लगा सकते हो। तो हम क्लिक करेंगे ओवरले के ऊपर और हमने जो वीडियो और इमेजेस ऐड कर रहे थे यहाँ पे आप देख सकते हो उन
उसमें से कोई सा भी एक चीज में चूज कर लेता हूँ, जो ये इमेज है उसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद इम्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। ये जो इमेज है हमारे वीडियो के ऊपर आ गया है। अब मैं इसको अपने माउस की मदद से या तो टच की मदद से कहीं पे भी ऊपर नीचे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये इमेज अभी एकदम बीचों बीच है, तो मैं इसको कहीं पे भी जैसे कि खींच के ऊपर रख सकता हूँ, मैं चाहे तो इस तरफ रख सकता हूँ, मैं चाहे तो नीचे भी रख सकता हूँ, इसको साइज छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये जो इमेज है उसकी जगह पे आप वीडियोस भी यूज कर सकते हो। ये जो इमेज है उसका आप ड्यूरेशन चाहे तो उसको भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जो इमेज का जो आखिर वाला हिस्सा है उसको खींच के आप जितना भी चाहे लंबा कर सकते हो और जितना चाहे छोटा भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम वीडियो के अंदर टेक्स्ट फाइल भी ऐड कर सकते हैं। आजकल कोई सी भी वीडियो आप देख लो जिसमें टेक्स्ट फाइल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक प्लेन टेक्स्ट और एक टेक्स्ट इफेक्ट नाम से। दोस्तों ये जो प्लेन टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट है, मगर जहाँ पे आप टेक्स्ट इफेक्ट देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे कि एनिमेटेड वाले टेक्स्ट मिल जाएंगे जो आजकल यूट्यूबर बहुत ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप के जो टेक्स्ट है वो अपने वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे यूज़ करते हैं। मैं एक अभी नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसके बाद आपको इसमें एडिट करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे योर टाइटल जहाँ पे लिखा है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करके यहाँ पे जो हम चाहे वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम इमू, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आई एम इमू लिख दिया। इसके अलावा हम यहीं से बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। एक बार टेक्स्ट पूरा लिखे उसके बाद नीचे जहाँ पे आपको डन का बटन दिख रहा है आप उस डन बटन पे क्लिक कर दो, जो आपका टेक्स्ट है वो आपके वीडियो के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से आप बहुत सारे सेटिंग कर सकते हो, जो टेक्स्ट की जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हो, जैसे कि ड्यूरेशन लंबा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट लंबा होते जा रहा है, जैसे कि ज़्यादा टाइम तक टाइम लाइन पे रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इसको मूव भी कर सकते हो, जैसे आगे रखना है पीछे रखना है, और जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ऊपर आना चाहिए, उस तरीके से बहुत कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, और भी बहुत सारे चीज़ ओनली टेक्स्ट के एक कंपोनेंट से आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अलग तरीके का अगर आप इसमें एनिमेशन करना चाहते हो टेक्स्ट फाइल में, तो यहाँ पे जब आप इसको कोई सा भी इसमें एनिमेशन दे दोगे वो अपने आप से उस तरीके से सेट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो आई एम इमू किस तरीके से लिख के आ रहा है। अगर इसका मैं ड्यूरेशन लंबा कर देता हूँ तो जो हमारा एनिमेशन है वो धीरे धीरे इफेक्ट उसको करेगा और धीरे धीरे वो एनिमेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ये रिप्लेस ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये आखिर क्या है। मूव टू फ्रंट और मूव टू बैक का ऑप्शन भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो भी क्या काम करता है। इसके अलावा इस टेक्स्ट को अगर डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो, और इसके अलावा अगर इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो और कहीं पे लगाना चाहते हो तो उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे सब टेस्ट के फंक्शन, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ये नॉर्मल चीज़ है, ये किसी को भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा हमको स्टिकर का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहे तो अपने वीडियो के अंदर स्टिकर लगा सकते हो। बहुत सारे स्टिकर यहाँ पे आपको यूट्यूब खुद अपनी तरीके से देगा, और जो कॉपीराइट फ्री है दोस्तों, और सभी के सभी एनिमेटेड है। इससे आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है अच्छे तरीके से वीडियो को एडिट करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट फाइल बहुत तरीके की है, इमोजीज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, हर तरीके की इमोजी आपको मिल जाएगी और सारी की सारी एनिमेटेड इमोजी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे सर्च करोगे तो उस तरीके का भी आपको इमोजी गिफ्ट फाइल या तो स्टिकर जिसमें भी आप जाके ये चीज़ सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लाइक लिखा है, आप देख सकते हो लाइक नाम से बहुत सारे ऐसे दोस्तों स्टिकर आपको मिल जाएंगे जो आप अगर इंटरनेट से खोजते हो तो बहुत ही टाइम आपको लग सकता है, और सारे के सारे ये एनिमेशन वाले। और किसी को भी अगर आपको वीडियो के अंदर इंसर्ट करना है तो आपको उस स्टिकर पे बस एक बार टैप कर देना है और वो आपके वीडियो के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस ये जो स्टिकर है उसको आप बहुत तरीके से इसमें कमांड दे सकते हो, जैसे कि आप उसको एनिमेट कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, मूव टू फ्रंट, मूव टू बैक, और अगर आपको ये पसंद नहीं है गलती से लग गया है तो इसको डिलीट तक कर सकते हो। इसके अलावा इसी स्टिकर को आप और कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये सारी
इसके कंपोनेंट थे ओनली टेक्स्ट फाइल के बहुत सारे मेन्यू थे। आपको वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ही मजा आने वाला है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और इस सारे के सारे फीचर्स दोस्तों पेड फीचर्स है जो आपको फ्री में दे रहा है यूट्यूब खुद। इसके अलावा दोस्तों हमको यहाँ पे साउंड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक लिखा है और उसके नीचे क्रिएट ए चैनल लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मैंने जो अपना मेन चैनल है इससे लॉगिन नहीं किया, चाहे मेन चैनल चाहे कोई सा भी चैनल हो यहाँ पे लॉगिन नहीं किया, इसके वजह से मेरे को यहाँ पे म्यूजिक के अंदर कुछ भी नहीं शो कर रहा। अगर आप मेन चैनल से यहाँ पे अगर आप अपना चैनल को साइन करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारे के सारे जितने भी यूट्यूब पे फ्री म्यूजिक और फ्री जितने भी उनकी लाइब्रेरी है वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और डायरेक्ट इस म्यूजिक को आपके वीडियो के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट भी मिल जाएंगे जो सारे के सारे नॉन कॉपीराइटेड होंगे। आप जो भी चाहिए साउंड उसको आप ऊपर सर्च कर सकते हो, आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों योर म्यूजिक वाला पार्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं ये वाला जो म्यूजिक है अपने वीडियो के अंदर इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे जो एरो है वहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो म्यूजिक यहाँ पे बना हुआ है ना दोस्तों, जैसे कि ये जो लहर बनी हुई है वो मेरा म्यूजिक है। दोस्तों हमारे जो ऑडियो इसमें अगर नॉइज है तो आप इसमें रिमूव कर सकते हो इसी एप्लीकेशन से। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो क्लीनअप का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से हम जो अपना वॉइस है उसमें से नॉइज रिडक्शन कर सकते हो। दोस्तों जो ये ऑडियो क्लीनअप है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मगर जो आपकी जो वॉइस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बन के बाहर आएगी। अगर आपका कहीं पे ऑडियो जैसे कि हाई है तो उसको लेवल पे कर देगा, अगर आपका ऑडियो कहीं पे लो है तो वो भी उसको लेवल पे कर देता है ये एप्लीकेशन। अब आपको नॉइज़ रिडक्शन के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसी एक एप्लीकेशन से वो सारे काम कर सकते हो। एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ आपको मिल जाता है वो भी फ्री में। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो मेरा यहाँ पे जो ऑडियो क्लीनअप है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मेरा जो ऑडियो क्लीनअप है वो एकदम मस्त हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया है पहले से जो हमारा ऑडियो है उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो। मान लो कि आपको मैंने जिस तरीके से अपना वीडियो का स्प्लिट करना सिखाया था एकदम लाइन को स्ट्रेट में ला के, जैसे इस तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला ऑडियो मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा और लेफ्ट वाला जो ऑडियो है उसको मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो वो एकदम चला जाएगा और जो हमारा बाकी का जो ऑडियो बचेगा उसको हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ से मेरे को बीच वाला अगर ऑडियो नहीं चाहिए तो इस यहाँ पे स्प्लिट करके और इस ऑडियो को मैं चाहे तो डिलीट भी कर सकता हूँ। और दोस्तों इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसके अंदर हमको वॉइस ओवर करना है तो यहाँ पे हम अलग तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पहले का ऑडियो और जो आखिर वाला ऑडियो उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं, दोनों से जोड़ भी सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऑडियो में स्प्लिट करके जो अनचाहा ऑडियो है उसको रिमूव कर सकते हो। दोस्तों अब फेड इन और फेड आउट का आपने यूज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं किया होगा। दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूँ, अगर आप फेड इन और फेड आउट का यूज़ करते हो तो जो आपके आगे की वॉइस होती है ना जहाँ से आप शुरुआत करते हो वहाँ पे एकदम ज़्यादा आपकी वॉइस आती है और लास्ट में जो आपकी वॉइस होती है उसको ये कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना चाहते हो तो वॉल्यूम को कम भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई सी ऑडियो है उसको आप म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे म्यूट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। म्यूट करके उसको डन पे क्लिक कर दो, आपकी जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी के ऑप्शन है वो सेम टू सेम है, या चाहे आप वीडियो ले लो, चाहे आप ऑडियो ले लो, या चाहे आप टेक्स्ट फाइल ले लो, सब मेन्यू में आपको ये वाले फंक्शन सेम ही मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो का जो मेन पार्ट होता है वो होता है वॉइस ओवर। अगर आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो अगर आपकी वॉइस ओवर अच्छी नहीं है तो आपका जो वीडियो होगा उसको व्यूअर बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे। मैंने इस ऐप से अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग की है और एकदम आप मानोगे नहीं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी की दोस्तों वॉइस ओवर इस ऐप से रिकॉर्ड होती है। दोस्तों इस ऐप से वॉइस ओवर करना एकदम आसान है। जहाँ पे भी आपको वॉइस ओवर करना है आपके वीडियो के अंदर, आप जो ये वाइट वाला जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है उसको उस पार्ट के आगे रख दो, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, आप जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन से कैसी वॉइस रिकॉर्ड हुई वो भी मैं आपको आगे वीडियो में सुनाऊंगा। यहाँ पे अभी जो आप सुन रहे हो मेरी माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हुई है और यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, देख सकता हूँ ये जो रिकॉर्ड हो रही है वॉइस वो यूट्यूब क्रिएट
एप्लीकेशन से हो रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप आपकी वीडियो पे वॉइस ओवर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी वॉइस है उसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। उसी तरीके से आप ऑडियो क्लीन करना चाहते हो तो इसको ऑडियो क्लीन अप कर सकते हैं, वॉल्यूम कम और ज़्यादा करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, अगर गलत हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, वैसे तो कोई काम का नहीं मगर बहुत ही काम भी आता है। जिन लोगों को ऑडियो सुनने में दिक्कत आती है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। आपके वीडियो के अंदर जो भी आपने बोला होगा वो लिख के आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगी, एक तो ओल्ड वीडियो वाला, एक तो वॉइस ओवर वाला। तो ज़्यादातर बंदे वॉइस ओवर वाला ही चूज़ करते हैं। देखो आपने जो भी बोला होगा वो आपकी स्क्रीन पे नीचे लिख के आएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, स्पेनिश और हिंदी। हमारा जो वीडियो में वॉइस है वो हिंदी लैंग्वेज में है तो मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर लिया। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी हमारा वॉइस ओवर होगा वहाँ पे जो हमने बोला होगा ये कैप्शन क्या करेगा उसको हिंदी में यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दे देगा। आप देख सकते हो दोस्तों जहाँ पे अभी मैंने कहाँ पे वॉइस ओवर करा था ऊपर दिख रहा है आपके, यहाँ पे देख सकते हो ये जो येलो कलर का लाइन है वो हमारा वॉइस ओवर है और यहाँ पे ही कैप्शन भी अपने आप से बन के आ गया। और यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ वो आप तरफ से मान लो कि ये बीच बीच में ये जो कैप्शन आ रहा है, आप अगर चाहो तो उस कैप्शन को वीडियो के साइड में भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो ये येलो कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है ना वो हमारा कैप्शन है। अब देखो ये जो कैप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगा सिंपल और उसको नीचे लेके भी आ सकता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक जगह पे आपका कैप्शन यहाँ पे शो करेगा आपके व्यूवर्स को। अब जो बंदों को आपकी ऑडियो सुनने में दिक्कत हो रही है वो आपने जो बोला होगा वो स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, उससे उनकी बहुत हेल्प हो सकती है, वो स्क्रीन पे शब्द पढ़ के आपकी वीडियो को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये भी फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप इसको बैक कर सकते हो और रीएंडो या तो अंडो भी कर सकते हो। आप समझ गए होगा, अगर आप फोटोशॉप चलाते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा रीएंडो क्या चीज़ है और अंडो क्या चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन और काम के हैं, एक एक्सपर्ट वाला, एक एस्पेक्ट रेडियो। दोस्तों ये एक्सपेक्ट रेडियो है ना वो बहुत ही काम की चीज़ है। ये 16:9 वाला है जो वो हमारा पीसी का जो स्क्रीन होता है, वाइड स्क्रीन जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये साइज़ होती है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो दूसरा वाला जो फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्वालिटी भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दो ही क्वालिटी आती है, एक 720p, एक 1080p। अगर आप YouTube क्रिएटर हो तो उसको 720p में कन्वर्ट लगाया करो, 1080p में मत लगाना, क्योंकि आज नहीं तो कल YouTube 1080p पे ओनली प्रीमियम बंदों को ही देखाएगा। जो प्रीमियम देखने वाले होंगे YouTube का, जो परचेस करेंगे सब्सक्रिप्शन, उसी को देखेगी 1080p में। अगर आप 720p में अगर कन्वर्ट लगा के वीडियो को कन्वर्ट लगाते हो तो दोस्तों ये जो कन्वर्ट वाली वीडियो होगी ना वो हर यूट्यूबर के यूज़र्स को ये वीडियो दिखेगी। 1080p ओनली सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो यूज़र्स देख पाएंगे और जो 720p वाली होगी वो फ्री वाले यूज़र्स भी देख पाएंगे। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाने की ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ गए। मानता हूँ ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है मगर क्या करें, अगर आपको फुल तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है तो आई एम श्योर आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।